एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के मैथ्स के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान के वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है चूज द अप्रोप्रिएट सिंबल फॉर द ब्लैंक। 32 में क्या करोगे 11 का कि 43 आ जाएगा, तो प्लस करोगे, है ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 आउट ऑफ टोटल 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड वेंट ऑन द टूर एंड टू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो जो है वो बेसिकली 30 में से 12 स्टूडेंट्स जो है वो टूर पर जाते हैं, दो स्टूडेंट जो है वो एबसेंट है। तो 30 में से 2 माइनस कर दो क्योंकि दो एबसेंट है, तो कितना आ गया 28। 28 में से 12 स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली टूर पे गए हैं, तो 8 माइनस 2 जो है वो कितना हो जाएगा 6। जब आपने 2 में से 1 माइनस किया तो आ गया 1, तो 16 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो क्लास में जो है वो कितने प्रेजेंट थे, ठीक है, तो लेस देन 20, ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर हाउ मच वेट शुड बी प्लेस्ड इन empty spot so that both sides of the boat are equal। तो कितना यहाँ पे रखा जाए, ये कितना हो गया इसका total 70, तो 40, 40 में कितना plus करोगे कि 70 हो जाएगा 30, तो answer आ जाएगा second option जो कि है 30। Next है Jaspreet gave a 50 rupees note to buy goods shown। तो Jaspreet ने ये सारे सामान खरीदे हैं, तो shop की 50 rupees का note दिया है सामान खरीदने के लिए, तो shopkeeper उसे कितने पैसे return करेगा, तो 20 plus 10 हो जाएगा 30, 30 plus 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 में से 35 minus कर दोगे, 10 minus से 5 minus करोगे तो 5 हो जाएगा, ये हो गया 4, 4 में से 3 minus करोगे 1 हो जाएगा, तो 15 rupees वापस करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि 14 इंटू 6 जो है वो 84 है ना, देन 84 को डिवाइड किससे करोगे कि 6 आ जाएगा, तो 84 भी है 6 भी है, क्या नहीं है 14, तो 84 को 14 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु आस्क्ड हर फ्रेंड रीना दैट हाउ मेनी टाइम्स 50 टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 350। 350 में से 50 कितनी बार माइनस किया जाए कि 0 आ जाए, तो रीना जो है वो उसका आंसर करना है, तो रीना ने आंसर करना है 350 है, 50 को हमने जो है वो माइनस करना है, कैंसिल कर दो यहीं पे, तो 5 7 35 7 टाइम्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि फॉर गिवन रेट्स ऑफ टोमेटोज एंड पोटेटोज पर केजी व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 केजी टोमेटो। तो 2.5 केजी टोमेटो कितने का आएगा, तो देखो 2 केजी, 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और हाफ के जी और लिया है उसने, हाफ को भी 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, 2 9 जा 18 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, तो 36 प्लस 9 जो है वो 45 हो गया, यानी टोमेटोज जो है वो 45 के आए, ठीक है। पोटेटोज 1.5 के जी है, तो 1 इंटू 13 और हाफ के जी और लिया है उसने 13 का, ठीक है, तो 13 1 जा जो है वो कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे इसकी कटिंग कर दो, तो 2 6 जा 12.5, तो ये 6.5 आ गया, 13 और 6.5 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 19.5, यानी कि टोमेटोज है वो 45 के और जो पोटेटोज है वो 19.5 के, तो इनका टोटल कर लो, 0.0 लगा देते हैं, 0.5 आ गया, 9 5 14 4 5 और 1 6, 64.50 का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे पूछा गया है वंश बॉट अ बुक ऑफ रुपीज 290 एंड ज्योमेट्री जो है वो उसने 105 की खरीदी है, शॉपकीपर ने उसे 105 रिटर्न किए हैं, तो उसने टोटल जो है वो शॉपकीपर को कितने पैसे दिए होंगे, तो इन सबको प्लस कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 290, 105 और यहाँ पर भी 105 आ गया, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो गया, 2 प्लस 1 3 4 एंड 5, तो 500 रुपीज का नोट दिया होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर लाइन एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिकली 13 का टेबल है, ठीक है, तो यहाँ इसके बाद जो है वो क्या है यहाँ पे कि क्या किस नंबर को जो है वो 13 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने बार स्टेप्स गए आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स गए हैं, ठीक है, तो आंसर जो है वो कितना आया 117, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो हमसे बोला गया है गोपी मेक्स अ गार्लैंड ऑफ फ्रॉम 15 फ्लावर्स से एक जो है वो माला बनाती है, हाउ मेनी फ्लावर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 15 सच गार्लैंड। तो 15 इस तरीके के और जो माला बनाने के लिए उसको कितने फ्लावर्स चाहिए, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जो कितना हो जाता है 25,
ठीक है, इसमें आगे वन प्लस कर दो, मल्टीप्लाई का ये जिसके लास्ट में फाइव आता है ना, मल्टीप्लाई करने की छोटी सी ट्रिक होती है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 वन जा 2, तो आंसर आ गया 225। अब चाहे तो सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आंसर जो है वो 225 आ गया। 225 जो है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिटवीन 200 to 250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। अवनीत्स फादर वांट टू बाय फॉलोइंग आइटम, ये सारे आइटम खरीदने हैं। हाउ मच मनी, अमाउंट ऑफ मनी डज ही नीड, इसको उनको कितने पैसे की जरूरत होगी। 7000 का एक सामान खरीदा, वॉशिंग मशीन जो है वो 6600 की खरीदी है, और अवन उन्होंने 4500 का खरीदा है। ठीक है, तो प्लस कर देते हैं, 6 + 5 = 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 8 9 10 10 17 और ये 18 18100। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिंकी सिस्टर है 6000 रुपीज, ऑन मंडे शी डिपॉजिटेड 2000, तो टोटल कितने हो गए, 6000 + 2000 8000 हो गए, एंड पेड इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 का उसने इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, तो 8000 में से 2000 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है, तो 6000 उसके अकाउंट में जो है वो रह जाएंगे। तो वर्बली आप कर सकते हो, ठीक है, या कह सकते हो ओरली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग अबैकस एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ वैल्यूज ऑफ 6। तो यहाँ पे जो है ये भी 6 है बीड्स, ये भी 6 बीड्स वाले हैं, है ना, तो ये कितना हो गया 600, और ये कितने हो गए 60। इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जो कितना हो जाएगा 36, और कितने जीरोज है, 1 2 और एक 3, तो 3 जीरोज इसके साथ लग जाएंगे, तो 36000 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है वो है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द पिक्चर, तो करेक्ट आंसर चूज करना है। 121 जो है वो 4 टाइम है, तो 121 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 484 होता है, है ना, आप चाहे 121 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके ऐसे भी शो कर सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करण हैज एप्पल्स इन बास्केट एज शोन बिलो, हाउ मेनी एप्पल्स मस्ट ही पुट इन ईच बास्केट टू इक्वलाइज नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट, तो इक्वल नंबर में करना है हमने एप्पल्स को, तो क्या जो है वो यहाँ पर किया जाए, तो ये 50 है। ठीक है, हम इसको बेसिकली सिंपल तरीके से करते हैं, 50 वाले हमारे पास कितने बास्केट है, ये 1 2 ठीक है 3 and 4, तो 50 × 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 5 4 = 20 200 हो गया। अब 40 वाले 1 2 3 4 5 6, 40 वाले हमारे पास 6 बास्केट हैं, तो 6 4 = 24 240 हो गया। 60 वाले हमारे पास एक ही बास्केट है, तो 60 1 = 60 हो जाएगा। ठीक है, 76 वाला भी एक ही बास्केट है, तो ये 76 हो गया, टोटल कर लेते हैं इसका, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 10 + 7 17 हो जाएगा, 2 2 4 और 5, तो टोटल 576 हो गए। अब कितने बास्केट है, 1 2 3 4 5 6 और 6 12, ठीक है, तो 576 को 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 = 48, ठीक है, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9 6 को उतार दो, अब 12 8 = 96 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ गया, 48, हर बास्केट में 48 एप्पल्स रखे जाएंगे, तो ये इक्वलाइज हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनके साथ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।